everyone वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे हैप्पी होंगे खुश होंगे हेल्दी होंगे फिट एंड फाइन होंगे तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक न्यू इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखने से सो so स्टार्ट आज है मंडे जनवरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज कैसल सी ए एस टी एल ई कैसल का ही मीनिंग होता है अ लार्ज बिल्डिंग विद हाई वॉल्स एंड टावर्स दैट वाज बिल्ट इन द पास टू डिफेंड पीपल अगेंस्ट अटैक इसका हिंदी मीनिंग होता है किला या फिर दुर्ग जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा बनवाते थे अपने किले बहुत बड़े बड़े ताकि और उनकी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी टावर्स होते थे और लार्ज बिल्डिंग होती थी ताकि अटैकर से बच पाए वो उ, सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते थे मतलब बहुत हाई वॉल्स तो उनको कहते हैं किला इंग्लिश में कहते हैं कैसल से ये है कैसल का मीनिंग

अब देखिए कैसल का मीनिंग क्या होता है बहुत बड़ा बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी दीवारों वाला किला महल या फिर दुर्ग सो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि बहुत छोटा सा घर बिल्कुल कमज़ोर सा घर कि जो ईजीली भी तोड़ा जा सकता है सो नाउ एंटनेम्स एंटनेम्स का मीनिंग होता है ऑपोजिट वर्ड्स सो एंटनम्स ऑफ कैसल आर कैंप शेड और वीक स्पॉट So, these all are the synonyms and antonyms of castle. Now, we move on to example sentences to understand this word in a much better and easy way. So, first sentence is Castle is a large building with strong walls built in the past by a king or other important person for protection against attack. सो so, कैसल का मीनिंग होता है कैसल इज़ अ लार्ज बिल्डिंग यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी दीवारें होती हैं बिल्ट इन द पास्ट पुराने ज़माने में बनवाया जाता था बाय किंग यानी कि राजा द्वारा या फिर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन या फिर कोई राजा महाराजा हो गए या बहुत अमीर रिच लोग हो गए सो so, वो बनाते बनवाते थे फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक यानी कि कभी भी दुश्मनों का अटैक हो जाए तो उनसे बचने के लिए नाउ सेकेंड सेंटेंस इज़ द कैसल वॉज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ माविलस म्यूज़ियम यानी कि जो कैसल था उसको एक बहुत ही माविलस शानदार म्यूज़ियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है क्योंकि इतने बड़े बड़े होते हैं कैसल का मतलब क्या होता है किले दुर्ग, बहुत बड़े बड़े होते हैं लिखा है ना इसमें कि लार्ज बिल्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं मतलब राजा महाराजाओं के किले होते हैं तो उनको अब क्या कर दिया गया है म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है नाउ थर्ड सेंटेंस इज दिस कैसल इज़ ब्यूटिफुल यानी कि ये कैसल जो है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है खूबसूरत है कैसल का एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो उसको भी कैसल कहते हैं जैसे आपने अगर हॉगकॉन्ग डिजनीलैंड की वीडियोज़ देखी होंगी तो वो जो कैसल है वहाँ पे वो उसको भी कैसल कहते हैं वो एक तरीके से किला है बहुत लंबी लंबी स्ट्रोंग दीवारों का सो so, आज की वीडियो में हमने सीखा इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड कैसल इसका मीनिंग होता है किला या दुर्ग जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग दीवारें होती हैं दुश्मनों से बचने के लिए जो कि पास्ट में राजाओं द्वारा बनवाई गई थी सो so, आज की वीडियो में हमने सीखा कैसल का मीनिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर डेली एक न्यू इंग्लिश वकीबलरी वर्ड की वीडियो अपलोड करती हूं एट नाइन ए एम इन द मॉर्निंग सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश वकीबलरी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हु हैव वॉच्ड माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल सो कल मिलते हैं इसी समय एक नए इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड के साथ सो टिल देन बाय बाय